दोस्तों मंडे को सेबी की मीटिंग है और उसमें बहुत हद तक चांसेस ऐसा है कि डिसीजन आ जाएगा कि हर वीक में एक एक एक्सपायरी दोनों के एक्सचेंज को देना है। अब देखिए एनएससी पे तो मिड कैप भी रजिस्टर्ड है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है एंड एंड निफ्टी है, तो ये चार इंस्ट्रूमेंट जो है एनएससी पे ट्रेड होते हैं, तो एनएससी को एक एक्सपायरी दी जाएगी। चांसेस इसमें यह हो सकता है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी मिल जाए एनएससी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो चांसेस ये है कि वीकली में बैंक निफ्टी एनएससी को मिल जाए। और उसके बाद में बीएससी के पास में दो एक्सपायरी हैं, जिसमें से एक बैंकेक्स है जो मंडे को होती है और एक फ्राइडे को सेंसेक्स की होती है, तो चांसेस बीएससी को कि सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली वाली वो बीएससी को मिल जाए। तो ओवरऑल कहना ये रहेगा कि एनएससी की जो रहेगी वो बैंक निफ्टी हो सकती है और बीएससी में सेंसेक्स हो सकता है, जो ये दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो सकते हैं जो वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, और बाकी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट बचेंगे उनकी सबकी एक्सपायरी मंथली वाइज, मतलब मंथ वाइज जो है हो जाएगी और मंथली एक्सपायरी उनकी होगी, तो उनकी सारी वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने पे डिसीजन आ सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि मंडे को इस पर डिसीजन आ जाए, तो देखते हैं कि अब क्या होता है और सेबी क्या डिसीजन लेती है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को भी मॉडिफाई करेंगे। और मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए आप मुझे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।